अमंग अदर थिंग्स, अमंग अदर प्लेजर्स, हमें लाइफ में ड्रामा बहुत अच्छा लगता है। यस, लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रामा होता रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। उसके पीछे एज ए बैकग्राउंड स्कोर कुछ कुछ होता है कि गाने, या फिर कभी खुशी कभी गम के गाने चलते रहने चाहिए। नो सीरियसली, वी लव ड्रामा। और कुछ लोग तो इतना पसंद करते हैं इसे कि वो सेडिस्टिकली इसको प्यार करने लग जाते हैं। उनको मज़ा आता है। जब तक घर में ड्रामा ना हो जाए तब तक मज़ा ही नहीं आता यार, खाना नहीं पचता है। बहुत शातिर हैं हम, पूरा बॉलीवुड एक तरफ और हम अकेले एक तरफ, इतने शातिर एक्टर हैं। यू नो, अभी मेरे पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है इन्वेस्टिंग के लिए, जिम जाने के लिए अप्रोप्रिएट कपड़े या जूते नहीं हैं, इंग्लिश सीखनी है यार लेकिन टाइम नहीं है, और मे बी आई एम टू लेट, है ना, यही होता है ना। ये सारे कुछ नहीं यार, इनडायरेक्ट बहाने हैं, इनडायरेक्ट मना करने के सेंटेंसेस हैं और कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि वी आर ब्रिलियंट एक्टर्स, हम डायरेक्टली नहीं बोलते क्योंकि कहीं हम फंस ना जाएं इस डर से, और कहीं हम फंस ना जाए इन्हें, यू नो, इस सेंटेंस ने न जाने कितने सपनों को डुबोया है। आई कांट इवन काउंट यार, कहीं हम फंस ना जाए। जस्ट ट्रांसफर द रिस्क एंड ट्रांसफर जस्ट कवर अप। हमेशा वी आर कवरिंग अप एवरी नाउ एंड देन हर मिस्टेक को, यू नो, कभी कभी हम गूगली फेंक देते हैं, सामने वालों को समझ में ना आए कि इसने क्या बोला यार, ये हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है। Sometimes we are just plain silent and let the other person figure out what do we want. But we never actually clear things out and say things directly. Never. Always indirect. तो एक बात समझ लो यार, ये I am late जो line है ना, ऐसा कुछ नहीं है life में। और आप सिर्फ उतना ही लेट हो जितना और जब तक आपने ये सेंटेंस रियलाइज़ किया है, जिस तारीख और जिस दिन जिस टाइम पे आपने ये सेंटेंस को रियलाइज़ किया है, आप सिर्फ उतना ही लेट हो दोस्त। उसके बाद, उस मोमेंट के बाद आपकी लेटनेस ख़त्म हो जाती है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कम से कम उसके बाद आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, उसके बाद आप जिम जाना शुरू कर दो। कपड़े हैं, जूते हैं या नहीं है, चलेगा यार, कोई आपके कॉलर को पलट के नहीं देख रहा है कि ब्रांडेड कपड़ा पहना है कि नहीं पहना है, यू नो, जूते की सोल को कोई नहीं देख रहा है कि ब्रांडेड जूता है कि नहीं। यू जस्ट वेयर इट एंड मेक इट ब्रांडेड यार। और सीखो यार, लैंग्वेजेस सीखो, इंग्लिश, जर्मन, यू नो, फ्रेंच, और व्हाटएवर यू वांट टू डू, न्यू स्किल, न्यू बिजनेस स्किल। यू नेवर लेट। नो, मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मैंने खुद एकदम 11th आर पे ऑडिशंस भेजे हैं अपने, सिलेक्शन हो या ना हो, बट मेरे अंदर ये सेटिस्फैक्शन था कि मैंने करके भेज दिया, यूनिवर्स पे छोड़ दिया मैंने। बहुत से लोग को करती नहीं है यार, हम लेट हैं, हम बहुत लेट हैं यार। ये सब ड्रामा छोड़ो यार, गेट रियल इन लाइफ। ये सब गाने हेडफोन लगा के आँख बंद करके सुनने तक सही अच्छा लगता है, और सुनना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि मैं खुद इस इंडस्ट्री से हूँ और मैं खुद ये काम करता हूँ। जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ। पर जब वो हेडफोन निकल जाए आपके कानों से, इट्स द रियल वर्ल्ड विच यू हैव टू फेस, राइट? वहाँ गाने नहीं चलते, वहाँ आपका ये चलता है, आपकी सूझबूझ, सोचने समझने की शक्ति, दैट काउंट्स। बी ड्रामेटिक, यस, बी फिल्मी व्हेन यू आर डांसिंग, कौन रोक रहा है यार, बन जाओ गोविंदा और जस्ट गो ऑल द वे यार, लेट योर हेयर डाउन, आप बन जाओ गोविंदा, आप यू नो
डिस्को डांडी करो, जो मन में है वो करो यार, विद फुल फिल्मी एक्सप्रेशंस ऑन योर फेस एंड एवरीथिंग, करो यार, वो अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है देख के, और जो आपका डांस देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगता है, क्या नाच रहा है, यू नो। नाउ इमेजिन डांसिंग विदाउट एनी एक्सप्रेशन, पोकर फेस, मज़ा नहीं आएगा, सब भाग जाएंगे, ऑडियंस भाग जाएगी आपकी। बाय शूज यार, बाय टी शर्ट्स एंड सेव मनी फॉर इन्वेस्टिंग, स्टार्ट टुडे, यू नेवर लेट, नेवर। क्योंकि क्या होता है यार, ये आप जितना इसको बोलोगे ना, आई एम लेट, आई एम लेट, आई एम लेट, उतना ही टाइम आप पीछे निकाल देते हो। एक यूनिवर्सल एलिमेंट है टाइम। अगर आप स्क्रीन पे टैप करो और मिनट्स देखो, तो अभी तक काफ़ी मिनट हो गए हैं मैं मुझे बोलते हुए और आपको मुझे सुनते हुए, एंड आई होप आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम। एंड टाइम इज़ यूनिवर्सल यार, वो आर ग्लास रहता है ना, जिसमें सैंड ग्लास भी बोल देते हैं उसको, सैंड का एक एक यू नो तिनका गिर रहा है, टाइम इज जस्ट पासिंग बाय। आज आपने बोला आई एम लेट, हफ्ते भर बाद आपने फिर बोला आई एम लेट, एक महीने बाद आप सेम बात बोल रहे हो आई एम लेट, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हो। बी द सेकेंड गाय, नॉट द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन कौन, जो ये पोस्टपोन कर रहे हैं, आई एम लेट, आई एम लेट, आई एम लेट, आई एम लेट, एक्सक्यूजेस। सेकेंड गाय जो स्टेप ले रहा है इस रियलाइजेशन के बाद कि मैं लेट हूँ, उस तारीख, वो टाइम नोट करो, उसके बाद जिसने स्टेप लिया वो आदमी है, फॉलो दैट गाय, बी दैट गाय। और मैंने अभी तक नहीं बोला, लेकिन आज बोलता हूँ कि अगर मेरी वीडियो ज़रा भी सेंस, इफ एट ऑल दे मेक सेंस टू यू, स्प्रेड देम आज ही, क्योंकि आप ही हो जो ये काम करोगे। ओके, जो लिंक, मेरे लिंक को आप स्प्रेड कीजिए लोगों में। आपको नहीं लगता कि अच्छी चीज़ें स्प्रेड होनी चाहिए? मुझे तो लगता है यार, जब इतनी गलत चीज़ें, इतनी बुरी चीज़ें स्प्रेड हो जाती हैं इतनी जल्दी, तो ये क्यों नहीं? अगर आपको ज़रा भी लगता है कि ये स्प्रेड होना चाहिए ये मैसेज, तो कीजिए इसे। मैं आज बोल रहा हूँ आपसे, अभी तक नहीं बोला था मैंने, डू इट। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जहाँ जहाँ ये भेजना है आपको भेजो, एंड मेक देम रियलाइज़ हम भूले बैठे हैं यार, हमें ज़रूरत होती है किसी को झंझोड़ने की, कोई हमें आके झंझोड़े। हनुमान जी को भी झंझोड़ा गया था कि भाई तुम बहुत शक्तिशाली हो, यू नो, तब उन्होंने अपना विशाल रूप, असली रूप में वो आए थे। हमें टाइम टू टाइम झंझोड़ने वाला चाहिए। तो मेरे लिए आप वो बनो, जस्ट स्प्रेड माई मैसेज टू हुएवर यू वॉन्ट टू, बल्क में भेजो यार। जो व्हाट्सएप के जो फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं, वो भी बल्क मैसेजेस होते हैं। वाई कांट वी सेंड दीज मैसेजेस? तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे। और मैसेज इस वीडियो का सिर्फ यही है कि आप सिर्फ तब तक लेट हैं जब तक आपने ये लाइन बोली है कि आई एम लेट, ओके, उससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्टार्ट टुडे।